वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो आज का ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम निकल चुके हैं एक सफर जो कि एक जरी ढूंढने के लिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग कुछ नहीं बताइए, हम बताएंगे वो जरी और कौन सा जरी है और उस जरी से क्या होता है। इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे भी और वो जरी और वो पेड़ कैसा होता है वो भी दिखाएंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए और वो इतना फ़ायदा है ना, इतना फ़ायदा करता है, चलिए हम आपको पूरे वीडियो में हम दिखाएंगे। तो जरी का नाम हम बता देते हैं, वो भी नाम भी हम बताएंगे एकदम लास्ट में। आप लोग पूरे तरह से बने रहिए और चलिए हम दिखाते हैं कुछ आगे का सीन। हम जो सफ़र में निकल चुके हैं और वो जरी ढूँढने के लिए, तो हम सोचे आप लोग के लिए भी ये एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग के भी मेरे वजह से कुछ हेल्प हो जाए। तो ये जरी का फ़ायदा इतना है ना, आप मत पूछिए, जब जरी मिल जाएगा तब हम इससे आगे आपको बतलाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ आगे। बहुत ही भयानक जंगल साइड में आ चुके हैं, पूरा चारों तरफ बाद ही बाद है और क्या बोलते हैं, खेत खलिहान है। तो चलिए हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं चारों तरफ देख सकते हैं। सोचिए अब इस बीच में क्या करें। तो हम सोचे चलिए वीडियो आप लोग के लिए शूट कर ले और आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, हम आपको दिखाएंगे जरी का जो है नाम भी और उसका क्या फ़ायदा होता है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग में आगे लेकर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही दूर और काफ़ी एक घंटा लगा है हमें वो जरी ढूंढने के लिए। गांव वाले से पूछे, बहुत जगह ऐसे जगह में पूछे, कहीं पे भी हमें नहीं मिल रहा था और फाइनली दोस्तों हमें वो पेड़ मिल चुका है। और अभी एक घंटा लगा है ये पेड़ ढूंढने में, नया जगह में है इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बहुत ही दूर में है गांव से और फर्स्ट बार यहां पे आए हुए हैं तो इसीलिए कि हमको ढूंढने में टाइम लगा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो जरी और वो पेड़। तो वो पेड़ का फ़ायदा हम आप पहले बता देते हैं आपको, वो पेड़ का फ़ायदा इतना है जो आपको शरीर में कमजोरी हो या आप कोई भी शरीर में जो है साइड इफ़ेक्ट या जैसे कि बोल सकते हैं फुंसी फोड़ा और कमज़ोरी, आप पूरा तरह से थक गए हैं और पूरा तरह से जैसे लगता है शरीर काम में नहीं है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बार यूज करिए, हाँ कड़वा लगेगा लेकिन असरदार है और इतना असरदार है जो आप एक महीना अगर जो कंटिन्यू इसको पीजिएगा तो आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं आएगा, तो ऐसा चीज़ है। तो चलिए हम आपको वो जरी दिखाते हैं और वो पेड़ दिखाते हैं ताकि आप लोग भी जो है यूज कर सकें। और आज से कई साल पुराने, कई साल पहले जो मेडिसिन नहीं रहता था तो हमारा दादा पर बाबा सब यही जरी का जो है यूज करता था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और वो पेड़ से हम जरी तोड़ेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यही है और ऐसा ही इसका पेड़ कहीं ना आपको कहीं मिल जाएगा जंगलों में। और चलिए हम कोशिश करते हैं तोड़ने के लिए क्योंकि सांप कीड़ा सब का भी डर होता है। और देख लीजिए हम कौन सा जड़ी तोड़ेंगे जो आपको भी फ़ायदा करेगा। देख सकते हैं इसका जो ये भाग होता है, ये भाग ये पूरा एकदम ये होता है, शुद्ध होता है और बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सारा है यहाँ पे। तो कम से कम हम हमारे घर में 3-4 आदमी पिएगा तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा करके तोड़ लेंगे। एक गिलास मिनिमम तोड़ना है एक गिलास पीने के लिए और एक गिलास में 5 मुड़ी जो है देना पड़ता है, ठीक है। और चलिए हम तोड़ते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से तोड़ना है। ये जो जरी होता है ये इस तरह से इसको यहाँ से सिर्फ ऐसे छुइएगा तो टूट जाएगा,
और चलिए हम जल्दी जल्दी में तोड़ लेते हैं, और काफ़ी लेट भी हो चुका है और देख सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी में तोड़ के और यहाँ से निकलते हैं, और पीसने के बाद सब कैसे पीता है वो भी दिखाएंगे। चलिए, और देख सकते हैं इतना सारा तोड़ लिए हैं। और चलिए अब हम घर निकलते हैं, और ये तोड़ने के बाद पीसने के बाद, और एक इसका नियम है, सूरज उगने से पहले ही इसको पीस कर पिया जाता है। तो चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे, पूरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा क्योंकि जंगलों में ये रहता है। कीड़ा का भी डर रहता है। और हमेशा देखिएगा इस पेड़ का पहचान हम बताते हैं। इस पेड़ का जो है कांटा जो रहता है वो उल्टा रहता है।